नमस्कार, भोजपुर दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूँ कृति। श्रम संसाधन विभाग, यूनिसेफ एवं नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से जगदीशपुर प्रखंड को बाल श्रम मुक्त क्षेत्र घोषित करने को लेकर जीविका के द्वारा अभियान एवं एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता श्रम अधीक्षक ने किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि बाल एवं किशोर श्रम को के दोषियों को 2 वर्ष तक का कैद एवं 50,000 रुपए का दंड प्रावधान है। हाँ जी, बताइए कौन सा कार्यक्रम हो रहा है? हम लोगों का, मैं तरारी प्रखंड का साक्षर भारत का कोऑर्डिनेटर दिवाकर पांडे बोल रहा हूँ। हमारे जितने भी साक्षरता कर्मी हैं, ये सभी साक्षरता कर्मी हम लोग 2002 से कार्य कर रहे हैं और बिहार में साक्षरता की दर बढ़ाने में हमारे प्रेरक और वरीय प्रेरक की मुख्य भूमिका रही है। हम लोग लगातार कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा हम लोगों को 3 वर्ष का मानदेय अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसके लिए हम लोग बाध्य हैं आंदोलन करने के लिए। और साक्षरता कर्मी इसके लिए धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, सरकार को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते हम लोग पूरे बिहार के साक्षरता कर्मी 31/1/2019 को पूरे बिहार में चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है। आज तरारी प्रखंड के मुख्यालय में हमारे नेतृत्व में साक्षरता कर्मी, वरीय प्रेरक और प्रेरक सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारा मानदेय जो बकाया राशि है, आकस्मिकता की जो बकाया राशि है, उसे तत्काल भुगतान किया जाए और हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए। अगर नियमितीकरण करने में कोई बाधा हो तो हम लोगों को किसी अन्य विभाग में दिया समानियोजित किया जाए, ताकि हम लोगों का कार्यक्रम सही ढंग से चलता रहे। केंद्र की मोदी सरकार कह कर गई थी कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन साक्षर भारत कार्यक्रम में लाखों साक्षरता कर्मी, जो 19 राज्यों में चल रहा था, लाखों साक्षरता कर्मी आज बेरोजगार बैठे हुए हैं और भारत का साक्षरता दर भी इसके दौरान गिर चुका है। जो साक्षरता कर्मी भारत के साक्षरता दर को उठाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाए थे, जिसमें बिहार सबसे साक्षरता में पिछड़ा था और हमारे साक्षरता कर्मियों के द्वारा यह कार्य करने के बदौलत आज बिहार की स्थिति साक्षरता दर में राष्ट्रीय साक्षरता दर से मात्र 1-2% पीछा रहा है। और ऐसे प्रेरक और वरीय प्रेरक को भारत सरकार और बिहार की सरकार अपने विचारों से सहमत नहीं होकर और हम लोगों का जो कार्यक्रम है इसको अनदेखी कर रही है। तो पूरे भारत में और बिहार में साक्षरता दर को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि साक्षरता बढ़ेगा, लोग साक्षर होंगे, तभी लोग स्वच्छता के बारे में भी समझ पाएंगे कि हमारा स्वच्छता क्या है, स्वस्थ क्या है। साक्षर ही नहीं होंगे तो देहात में, गाँवों में अधिकांश लोग निरक्षर आज भी बैठे हों, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, जब निरक्षरता से ऊपर नहीं उठ पाएंगे तब तक हमारा भारत विकास नहीं करेगा। तो सबसे पहले साक्षर भारत, तब स्वच्छ भारत, तब स्वस्थ भारत, तब स्वावलंबी भारत की घोषणा हमारे साक्षरता कर्मियों ने करके बैठा है। इसी के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। कौन है आप, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिवाकर पांडे है, मैं तरारी प्रखंड के साक्षर भारत कार्यक्रम का प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक।